नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जावेद जी क्वेश्चन चैनल पे। तो इस वीडियो में प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है 10% को हमें यहाँ पर क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 10%। तो प्रतिशत को हम साधा भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 10% का मतलब हो जाएगा 10/100। अब यहाँ पर 100 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ प्रतिशत दिया और प्रतिशत को हम भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10/100, यानी कि 10 × 1 = 10, 10 × 100, यानी अब क्या हो जाएगा, 1/10। ये क्या हो जाएगा, साधारण भिन्न। दूसरा क्वेश्चन है 40%। 40% को हमें क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो हो जाएगा 40/100, क्या हो जाएगा, 2 × 40 और 20 × 5 = 100, यहाँ पर हो जाएगा बराबर 2/5। इसी तरह से हम 3 को भी सॉल्व करेंगे, 20%। तो 20% का हो जाएगा 20/100, 20 × 1 = 20, 20 × 5 = 100, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। ये इसको हम साधारण भिन्न में बदल लें। अब हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। यानी यहाँ पर भिन्न दिया हो, इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। यहाँ पर देगा 1/100, क्या दिया हुआ, 1/100। तो इसको हमें प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/10 × 100, यानी कि हमें प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत को हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 10 × 10, 10 × 100, क्या हो जाएगा, 10 × 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10%, यानी कि 1/10 का हो जाएगा 10%। दूसरा 2/5, 2/5 को हम 2/5 × 100, तो 5 × 5 20 × 5 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 20 × 2 क्या हो जाएगा, 40%, हो जाएगा 40%। यह प्रतिशत दिया होगा 1/5, 1/5 को हम क्या करेंगे, 1/5 × 100, 5 × 5 20 × 5 = 100, 20 × 9 = 20, यानी कि 20% ये हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन रहेगा, अब यहाँ पर दिया है भिन्न निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। अब यहाँ पर आपको देखना है निम्न प्रतिशत को दशमलव में हमें बदलना है, जो कि यहाँ पर प्रतिशत है, इसको हमें दशमलव में बदलना है। तो यहाँ क्या दिया है, 32%, 32%। अब हमें इसको प्रतिशत में दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, हमको 100/100, यानी कि 32/100 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर दशमलव में बदलना है, यानी कि 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 करेंगे, 32 के आगे पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 0.32, यही हो जाएगा हमारा दशमलव। अब यहाँ पर 100 में 2 जीरो है, तो यानी कि 1 इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि जो यहाँ पर 2 अंक दिया हुआ, अंक के आगे यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पर देगा 40%, यानी कि 40% को क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40/100। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 40 लिखेंगे। अब यहाँ पर 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे, तो हो जाएगा 0.40, ये इसका उत्तर हो जाएगा। हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है 40 रुपये, ठीक है, 40 रुपये का 15% कितना होगा। यहाँ पर हमें बताना है 40 रुपये का 15% कितना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 40 लिखेंगे गुणे प्रतिशत कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ, अब क्या करेंगे हम, 100 लिखे देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट जाएगा, अब बचा क्या, 2 × 5 = 10, क्या करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 5 × 5 5 × 3 = 15, अब यहाँ पर क्या बचा, 3 और 4, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 40 रुपये का 15% कितना होगा, 12 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा अब अगला क्वेश्चन, 500 का 40% कितना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 500 × 40/100 रहेगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अब यहाँ पर बचा गया
40 और 5, तो 40 पंची क्या हो जाएगा 200, यानी कि 40 500 का 40% कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मैथ। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के